बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। हम सब समझ रहे हैं, अगर किसी किसान के मन में प्रश्न है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके साथ बैठ करके बात करने में कभी भी संकोच नहीं किए, कितने भी राउंड क्यों ना हो बैठते हैं, और बार बार ये भी बोलते हैं कि ये तीनों कानून से अब क्लॉस बाय क्लॉस कंडवार चर्चा करिए, हम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मैं मानती हूँ अभी भी कि चर्चा ही रास्ता है, चर्चा करने के लिए सरकार ओपन है, और कल परसों पार्लियामेंट के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री जी वो जो ऑफर है उसको टेबल पर अभी भी है करके माना। इसीलिए मैं मानती हूँ किसान जिनको भी मन में कुछ प्रश्न है, संकोच है और डाउट्स है, वो जरूर बात करने के लिए आगे आए, सरकार से बात करें, वो एक विषय है। दूसरा, ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का मैटर है। ये मैंने मेरे एग्रीकल्चरल सेक्शन जब मैं पढ़ रही थी उसमें स्पष्ट बोले कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम खर्च करेंगे और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वैरायटी हमने क्लॉज स्कीम्स बोले हैं। अब तक जो सिर्फ पोटैटो टोमेटो के लिए स्कीम है उसको अभी 23 पेरिशेबल क्रॉप्स के लिए ले आ रहे हैं। ऐसे ही नाबार्ड के द्वारा जहां ऑलरेडी 5,000 करोड़ का अमाउंट उनको दिया गया उसको डबल कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे आयाम मतलब फेसेस में करते हैं, बहुत सारे रूपरेखा में आता है। मैं ये भी बोली हूँ कि एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम फंड करेंगे।